भाजपा संगठनात्मक जिला शिमला की बैठक रविवार को शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने की। बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जिला स्तरीय बैठक में कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा के नाम से एक अभियान चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम में भाजपा अहम भूमिका निभाने जा रही है। सुखराम चौधरी ने कहा कि आज देश के इतिहास को याद रखने की जरूरत है। देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक किया जाना जरूरी है। भाजपा इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत बाइक रैली, प्रभात फेरी और फोटो वीडियो प्रदर्शनियों का भी आयोजन करेंगी। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगे ये सुनिश्चित किया जाएगा और हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिससे प्रदेश में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से दर्शाया जाएगा कि स्थापना के बाद प्रदेश बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है। इन कार्यक्रमों में प्रदेश की उपलब्धियों को दर्शाते विभिन्न आयोजन होंगे। चुनावी वर्ष में भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस में शामिल होने के एक सवाल के जवाब में सुखराम चौधरी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेता चले जाएंगे तो भी पार्टी प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब इच्छाएं बढ़ जाती है तो नेता चले जाते हैं, वे अपनी टिकट की इच्छा से दल बदलते हैं। भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है, इसलिए ऐसे नेता कांग्रेस में खाली जगह देखकर दल बदल लेते हैं। जयराम सरकार ने काम किया है और दोबारा सत्ता हासिल करेंगे। विशेष बैठक थी, उसमें तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था, विशेष रूप से दो कार्यक्रमों के लिए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगे, प्रशासनिक दृष्टि से भी जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग है, कर्मचारी अधिकारी उनके घर पे भी, जितने हमारे बैंक है उन बैंकों पे भी, और जो आम व्यक्ति है देश का, प्रदेश का, उसके घर पे भी तिरंगा झंडा लगे, प्रभात फेरी हो। क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन इतिहास को भूल रही है। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का योगदान है, किन लोगों ने अपने बलिदान दिए, कौन शहीद है, उनकी हिस्ट्री वो जानते नहीं। इसलिए हमें आजादी कैसे मिली, कौन से ऐसे परवाने थे जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा चूमा, ये सारा इतिहास जो हमारा है, हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। हर घर पे तिरंगा झंडा लगे, इतिहास का पता होना चाहिए, किस तरह से हमें आज़ादी मिली उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पार्टी उसकी अपनी तैयारी कर रही है, प्रशासन के साथ मिलकर हम काम करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश को बने भी 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 75 वर्ष पहले कहां था, आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेशों के लिए मॉडल प्रदेश बना है। बहुत रफ्तार के साथ हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये 75 कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम बनेंगे, प्रदर्शनियां लगेंगी, हिमाचल का इतिहास दिखाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ सके इसकी योजना बनाई जाएगी। इसलिए इन 75 कार्यक्रमों में हम सबकी भागीदारी रहे, हम हिमाचल को आगे लेकर जाएं। हिमाचल प्रदेश ना केवल पहाड़ी प्रदेशों का मॉडल बने, पूरे भारतवर्ष का मॉडल बने। हमारे पास संभावनाएं हैं, हमारे पास हाइड्रो में बहुत संभावना है, हमारे पास टूरिज्म में बहुत संभावना है। इन सब चीज़ों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। वाले समय में 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और हम सरकार को रिपीट करेंगे। मैंने पहले कहा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता कोई नेता जाना चाहे, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कई बार बहुत बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं, उसको अपना भविष्य पार्टी में ऐसा नज़र आता है धूमिल सा, टिकट की इच्छा होती है,
उसको लगता मुझे टिकट नहीं मिलना है, कांग्रेस में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कई जगह चुनाव लड़ने के लिए कई जगह कांग्रेस में तैयार नहीं है लोग, इसलिए इस तरह चलता रहेगा ये। परंतु हम, मैंने पहले कहा है, काम के आधार पे और कार्यकर्ताओं के आधार पे सरकार बनाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे? क्या किसी ने कभी सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में विदाउट एनओसी या नगर परिषद नगर निगम टीसीपी में मीटर लगेंगे? क्या कभी किसी ने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश के किसान को ट्यूबवेल की 1 रुपये से 30 पैसे यूनिट बिजली मिलेगी? बसों में हमने 50% महिलाओं का किराया माफ कर दिया और बहुत से हमने ऐतिहासिक कदम लिए। उन बलबूते पर हम जाएंगे, सुनिश्चित रूप में बीजेपी की सरकार बनेगी।